أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الصخرين محبوب رب المشرقين المغربين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين अज़ादारान इमाम, आज की ये मजलिस इनदाम जन्नतुल्बकी के सिलसिले में हो रही। वो जो एक ज़ुल्म अज़ीम हुआ इस्लाम के ऊपर, ऑलमोस्ट 92 इयर्स या 95 इयर्स के करीब हो गया, और ऐसा ज़ुल्म है ये कि आज पूरी दुनिया देख रही है। 1 बिलियन लोग मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन वो सब जानते हैं कि ये जो जुल्म है, इस जुल्म के खिलाफ एक प्रोटेस्ट नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि एक ही कम्युनिटी है, एक ही कौम है कि जो हर साल इस सिलसिले में एक प्रोटेस्ट करते हैं, और ये प्रोटेस्ट लाजिम है। इसीलिए मैंने अपनी तकरीर का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से किया। शुक्र अदा कर रहा हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ने हमको तौफीक दी, अहले बैत के चाहने वालों को तौफीक दी कि हम हर साल ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि प्रोटेस्ट से क्या होगा। प्रोटेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि आज हमारे हाथ बंधे हुए, वी कांट डू एनीथिंग। जब हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं। और प्रोटेस्ट एक ऐसी चीज़ है कि ये सीरत बीबी जहरा है, शहजादी कौनैन की सीरत है। फातिमा उस पर्सनालिटी का नाम है कि जो राज इलाही, अल्लाह के राजों में से एक राज का नाम रसूल फातिमा है। वो बीबी के जिसको ये पता था कि मैं दरबार में जाऊंगी, प्रोटेस्ट करूंगी और मेरा हक मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन सीरत जहरा ये है कि इंजर्ड होने के बाद, और ऐसा इंजर्ड कि आम तौर पे कोई सोच भी नहीं सकता। एक नॉर्मल लेडी होती तो बीबी जहरा सीधा बिस्तर पर लेट जाती, लेकिन शहजादी बिस्तर पर नहीं लेटी। इंजर्ड होने के बाद का वाक़ है, 3 दिन अल्लाह के रसूल की शहादत, 3 दिन या 5 दिन का बाद ये शहजादी इंजर्ड हुई, पूरी रिब्स टूट गई। मैं बड़ी आसानी से ये जुमला बोल रहा, शहजादी की रिब्स टूटी, पेट में बच्चा शहीद हो, जनाब मुस्लिम की शहादत। उसके बाद भी दरबार में गई, और दरबार में अपने घर के अंदर से भी जा सकती थी। तो फातिमा की सीरत में ये है कि सबको बताओ, बीवी बाहर आई और जो मदीने का बाजार था, मेन एंट्रेंस जो था मस्जिद का, उस एंट्रेंस से बीवी गई। तो जब बीवी घर से बाहर निकली कनीज़ों के साथ, हाथ में असा है, तो उस वक्त सारा मदीने का बाज़ार खुला हुआ था, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि रसूल की बेटी बाहर आ गई तो बाज़ार बंद हुआ, और सारे मुसलमान शहजादी के साथ दरबार में सबको लेकर आई और आके प्रोटेस्ट की। जबकि जानती हैं कि मैं प्रोटेस्ट करूँगी तो मेरा हक नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद तारीख में तो ये महफूज हो गया कि फातिमा का प्रोटेस्ट आज भी मौजूद है। इस्लाम रसूल के बाद पहला जो एहतजाज था, पहला जो प्रोटेस्ट था, वो शहजादी कौनैन था। गई जाके अपने हक को तलब किया, जब जालिमीन ने हक को नहीं दिया तो फातिमा वापस आ गई, ये कहकर कि मैं रोज़ महशर अल्लाह के सामने मैं अपने बाबा से फरियाद करूँ। तो ये जो आज प्रोटेस्ट हो रहा, ये प्रोटेस्ट हर आदमी को करना चाहिए। जन्नतुल्बकी कोई मामूली जगह का नाम नहीं है, या जन्नतुल्मौला कोई मामूली जगह का नाम। इस्लाम का पहला कब्रस्तान जन्नतुल्मौला है, सेकंड कब्रस्तान जो सेमेट्री है वो जन्नतुल्बकी। मक्के में 13 साल अल्लाह का रसूल रहा इस्लाम आने के बाद, 53 इयर्स की आपकी लाइफ मक्के की और 10 साल की आपकी ज़िंदगी मदीने मुनव्वरा की। तो इस्लाम का जो पहली सेमेट्री है इस्लाम की, वो जन्नतुल्मौला है, जो आज बिल्कुल उसी अंदाज से खामोश हो गया, कुछ नहीं है वहाँ पे। आप यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट एंटर जन्नतुल्मौला। उसमें कैसी कैसी पर्सनालिटीज हैं, जनाब अबू तालिब वहीं दफन है, पूरी फैमिली ऑफ प्रॉफिट जन्नतुल्मौला में, बीबी खदीजतुल कुबरा हमारी माँ वहीं है, जनाब हाशिम वहीं, जनाब अब्द मनाफ वहीं, जनाब अब्दुल मुतलिब वहीं, पूरी फैमिली ऑफ प्रॉफिट। वो पहला इस्लाम का कब्रिस्तान जो आज बिल्कुल खाली हो गया, कुछ नहीं है, जैसे स्टोन्स रखे हुए। और सेकंड जो कब्रिस्तान है वो जन्नतुल्बकी का। जन्नतुल्बकी की एक पूरी हिस्ट्री है,
पहली हिजरी से लेके, फर्स्ट हिजरी से लेके 200 अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ 250 हिजरी तक 250 साल दसवें इमाम का ज़माना, अल्लाह के रसूल से लेके दसवें इमाम तक सारे मासूमीन का फैमिली जो है वो वहीं पर है। पूरे जन्नतुल बकी में, करबला में जितनी बीबियाँ थी वो वहीं जन्नतुल बकी में दफन। चार इमाम हैं, शहजादी कौनैन एक रिवायत से बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो तीन रिवायतें बीबी की, तीसरी रिवायत जो है मौला हसन से, वो जन्नतुल बकी की। मौला हसन ने कहा था कि मौला हुसैन से कि अगर मैं एक सिर्फ हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको कि लोगों को पता चलना चाहिए कि ये कितना बड़ा जुल्म हुआ और हम कितनी आसानी से यहाँ बैठे हुए, हमारा एक प्रोटेस्ट नहीं है। आठ शवाल एक मॉर्निंग डे, आठ शवाल एक सैड डे, आठ शवाल हम सब के लिए अजीम गम का दिन, आठ शवाल को घरों में मत बैठो, आठ शवाल को प्रोटेस्ट करना है। तो अगर आज का ज़माना लॉकडाउन का ज़माना, ठीक है आप नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रोटेस्ट, एक एहतजाज अल्लाह से तो कर सकते, मोहब्बत के साथ बोल तो सकते अल्लाह को, ज़माने के इमाम की बारगाह में फरियाद तो कर सकते। आज मैं अफसोस के साथ बोल रहा हूँ, वेरी सैड टू से दिस, पूरी दुनिया में देखता हूँ कि कभी हम मेंबरों से ये नहीं बोलते कि जन्नतुल बकी की तामीर करवा दें, हम कभी ये नहीं बोलते कि जन्नतुल बकी में रोशनी करवा दें, हम कभी अपनी नमाजों में लोग करते होंगे मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन हम मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी ये नहीं है कि आप जन्नतुल बकी के लिए हम अपनी दुआएं करते, 1000 हम दुआएं मांगते, 1000 दुआएं मांगते, दुआ मांगने में कोई हर्ज नहीं है, जितनी चाहे दुआएं मांगो, दुआ मांगना ही है, बंदगी की मेराज दुआ है, अल्लाह को सबसे ज़्यादा दुआ पसंद है कि बंदा उसके सामने मांगे। तो क्या हम अपनी दुआओं में ये दुआ करते कि अल्लाह तो जन्नतुल बकी की तामीर करा दे, जन्नतुल मौला की तामीर करवा दे, वहाँ पर रोशनी कर दे, कितनी गफलत में बैठे, कितने इग्नोरेंस बैठे, यही तो ज़माने का इमाम कहकर रोता है कि चाहने वाले वैसे नहीं है जैसे बनना चाहिए। क्या हम रोज़ अपने इमाम की बारगाह में दुआ करते? मेरा ख्वाहिश है, जो जो मेरी आवाज़ सुन रहा, जो जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि इस साल 2020 1441 हिजरा की आठ शवाल जन्नतुल बकी का जो इनदाम का दिन है, उस दिन से कम अज़ कम अब शुरू करो, अब शुरू करो, अब अपनी नमाजों में दुआ मांगो। ये दुआ वो है कि अगर तुम बीवी के लिए दुआ मांगोगे तो ज़माने का इमाम राजी होगा। और प्रोटेस्ट इस तरह भी कर सकते, घर बैठ के भी कर सकते, जब हालात ख़राब है, आपको बाहर निकलना नहीं है तो फाइन, घर में बैठो, घर में बैठ के अपने हर हमेशा हर जब भी मुसल्ले पे जाओ, जब भी नमाज के लिए बैठो, जब भी जन्नतुल बकी की तस्वीर को देखो, जब भी शहजादी कौनैन का जिक्र आए, जब भी मौला हसन चौथे इमाम, पांचवें इमाम, छठे इमाम का जिक्र आए, वहाँ कौन कौन दफन है आपको अंदाजा है कि ये चारों इमाम हैं, बीबी उमुल बनीन है, बीबी फातिमा बिनते असद है, अजवाज या रसूल है, करबला की सारी बीबियाँ हैं, अल्लाह के रसूल के दोनों बेटे हैं, और कितने कितनी औलाद है इमाम हसन, यानी दसवें इमाम तक जितने खानदान अहले बैत थी, जितने खानदान अहले बैत सब जन्नतुल बकी के अंदर, बाहर कोई नहीं, अब कोई गया होगा इधर उधर इमामजादे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मेजॉरिटी का है, मेजॉरिटी सारे बकी, इस्लाम का वो एक ही कब्रिस्तान था, उस जमाने में 10-15 सेमेट्रीज नहीं थी, और जन्नतुल बकी आज तो बिल्कुल शहर के अंदर हो गया, आज तो बिल्कुल मस्जिद नबवी के बाजू आ गया, लेकिन उस जमाने में ये बकी बकी जो था ये मदीने मुनव्वरा से बाहर था, शहर से बाहर था। उस जमाने की जो आबादी थी, उस जमाने का जो पॉपुलेशन था मदीने मुनव्वरा का, जब अल्लाह के रसूल का ज़माना था, मैं तेज़ इसलिए पढ़ा कि मैं 30 मिनट तकरीर करूँगा और एक कंप्लीट मैसेज दे के जाऊँगा कि हमको करना क्या है, खाली घर बैठना नहीं है, खाली बैठ के ये अफसोस नहीं करना कि यार जन्नतुल बकी की ज़्यारत नहीं हो रही, ताबीर नहीं हो रही, हमको भी प्रोटेस्ट करना है, हमारा नाम उन लोगों में लिखना चाहिए कि जिन्होंने एहतजाज किया। मेरा लाखों सलाम उन लोगों को कि जो बकी के लिए मदरसे करते, जो बकी के लिए प्रोटेस्ट करते, आज पूरी दुनिया में बकी के लिए प्रोटेस्ट होता, बकी ऑर्गेनाइजेशन शिकागो में जो है वो लोग वाशिंगटन जाकर प्रोटेस्ट करते, दिल्ली में होता, बॉम्बे में होता, लेकिन हमारे शहर में कोई प्रोटेस्ट नहीं है। मैं जनरल बात कर रहा, बुरा मत मानो, बट जो हक है तो बोलना ही है कि कितने लोगों को मालूम है, क्या आज हमारे बच्चों को मालूम है कि व्हाट इज 8 शवाल, क्या बाएं बैठ के 8 शवाल के बारे में हम बात कर रहे हैं? अफसोस है यार, अफसोस है ये बात कि 8 शवाल के बारे में हम कोई बात करते, हमारे बच्चों को मालूम है कि 8 शवाल कितना बड़ा गम का दिन है? अगर इसी तरह गफलत में रहोगे, इसी तरह इग्नोरेंस में रहोगे, तो लोगों के तारीख से वो चीज़ें मिट जाएंगी। एक चीज़ याद रखो, अगर तुम हर साल करोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जालिम को सर झुकना ही पड़ेगा। लोगों को मालूम कैसे होगा, अवेयरनेस कैसे आएगी? आज 10 मुहर्रम आज हमारे पास क्यों है? पूरे मासूमीन की शहादत की तारीखों में हम मदरसे करते, मदरसे करते तो लोगों को मालूम भी है। दूसरी कौमों में अब तक उन लोगों ने यह डिसाइड नहीं किया कि अल्लाह का रसूल पैदा कब हुआ और अल्लाह के रसूल की वफात कब है। क्यों नहीं है? इसलिए कि उनके पास कोई अवेयरनेस नहीं है, उनके पास कोई बैठ के बात नहीं करता। हमारे में दूसरों में ये फ़र्क है, क्रिश्चियनिटी एवरी ईयर
25 दिसंबर को वो लोग क्रिसमस मनाते, तो लोगों को मालूम है जब बर्थडे ऑफ जनाब ईसा है। तो आप जब तक कोई चीज़ को हिस्ट्री को आप रिपीट नहीं करेंगे, हिस्ट्री को सामने नहीं लाएंगे, तो आपके बच्चों को आपके जनरेशन को कैसे मालूम होगा? आज ठीक है, आज कुछ हो रहा, लेकिन कल अगर नहीं मालूम होगा तो एक जनरेशन चला जाएगा, उसके बाद लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि बखी भी कोई चीज़ है। ये बोलेंगे ठीक है, वहाँ भी इमाम के रोज़े थे, इमाम के रोज़े थे, ये बखी में मासूमीन के है, तो ये कब टूटा, क्यों, किसने तोड़ा? आज जो हुकूमत का आज जो हाकिम है, आज का जो हाकिम है, उसका बाप 1923 या 25 की रिवायत है, मुझ पर बहस नहीं कर रहा मैं, 23 है या 25 है, ऑलमोस्ट 90 ईयर, मोर देन 90 ईयर्स ऑफ, उसने ये जब वहाबिज़्म आया था, जब इस जालिमीन की हुकूमत आई थी, इन हुकूमत के बाद इन लोगों ने पहला काम ये किया कि जनतुलमौला को तोड़ा, जनतुलमौला। अच्छा, और क्या क्या तोड़ा आपको बताऊँ? जब मक्के में जहाँ अल्लाह का रसूल पैदा हुआ था, बर्थ प्लेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सोचो लोग हिस्ट्री को प्रिजर्व करते, ईसाइयत की जाके देखो कि कैसा उन लोगों ने प्रिजर्व किया, जूस को देखो जाके, आज भी वो जगह मौजूद है कि जहाँ जनाब ईसा पैदा हुए थे, इसराइल में, फलस्तीन और इसराइल में, बैतुल मुकद्दस के पास आज भी वो झाड़ मौजूद है, आज भी वो जगह मौजूद है कि जहाँ आज भी वहाँ पर नबियों की खबरें, अरे वो जूस बेहतर है इनसे, वो ईसाई बेहतर है इनसे, कि वहाँ पर आज भी नबियों की खबरें मौजूद है बैतुल मुकद्दस में, लेकिन आज हमारे पास नहीं है। रीज़न ये है कि जालिम ने जुल्म किया, हम बड़े एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। आज हमारी कम्युनिटी में कितना बेदारी है, हमारी कौम में कितनी अवेयरनेस है, अफसोस यही तो है कि कोई बोलता नहीं और ना हम बैठ के बात करते। हर माँ की जिम्मेदारी है, हर औरत की जिम्मेदारी है कि बच्चों को बताए, बैठे, सिट विद योर किड्स, सिट विद योर किड्स, उनसे बात करो, बताओ आठ सवाल क्या है, आठ सवाल आने से पहले बैठ के बताओ कि देखो बकी पहले ऐसी थी और बकी अब ऐसी है, बकी में ये लोग दफन है, आप इंसाफ से बोलोगे मेरी माँ की खबर टूट जाए, मेरे बाप की खबर टूट जाए, हम ऐसी गफलत में पड़े, हमको क्या करना है? मेरा तो घर चल रहा, मेरा तो कारोबार चल रहा, बाबा ये गफलत से बाहर निकलो, तुम्हारा नाम उन लोगों में आना चाहिए, हर शिया को बोलो तुम्हारा नाम उन लोगों में आना चाहिए कि कल इमाम ज़माना पूछे तुमसे कि तूने मेरे दादी के लिए क्या किया। आज अगर तुम बखी के लिए नहीं करोगे तो कल इमाम के लिए क्या मदद करोगे यार, जमाने के इमाम के लिए क्या मदद करोगे? कल इमाम जरूर करेगा तो हम बोलेंगे ठीक है, मैं तो अपने इंडिया में रहूँगा, मैं तो अपने घर में रहूँगा, जब जो जो सुन रहा बाहर, मैं तो अपने घर में रहूँगा, ठीक है मौला आए, ठीक है आ गए, जाएंगे फिर कभी, ये गफलतों से बाहर निकले। आज जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, आज जो हमको तकलीफें हैं ना, आज जो हमारे काम नहीं बन रहे ना, आज जो हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं ना, उसका वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर इस्लाम। अब अल्लाह के रसूल का जुमला सुन, सरकार कहते हैं कि अगर कोई शख्स, कोई मुसलमान सुबह उठे और उसको फिक्र ना हो इस्लाम के बारे में, तो उसका और मेरा कोई ताल्लुक, इतना सख्त जुमला है। मेरा यह मतलब नहीं है कि आप रोड पे निकल जाओ, मेरा यह मतलब नहीं है कि लॉकडाउन में बाहर निकल कर प्रोटेस्ट करो, आई डोंट मीन दैट। तो एटलीस्ट तो घर में तो बता सकते, एटलीस्ट घर में के अंदर बच्चों, फैमिली को तो बता सकते, बच्चों से डिस्कस तो कर सकते। अगर हमारी कौम के बच्चों को, तो माओं को तो ये चाहिए कि अगर आधी रात को अगर तुम्हारे बच्चे को उठा के पूछे कि आठ सवाल क्या है, तो वो बोले कि वो उस दिन डिमोलिश हुआ था, उस दिन प्रोटेस्ट, उस दिन बीबी जहरा का मजार टूटा था। दोस्तों, इससे बड़े अफसोस की बात क्या है, इससे बड़े तकलीफ की बात क्या है कि शहजादी कौनैन का रोज़ा उस जमाने में भी बीबी पे जुल्म हुआ, आज तक जुल्म हो रहा, लेकिन आज जुल्म हो रहा, लेकिन हम तो कुछ तो आगे बढ़े, हम तो कुछ तो काम करें। शियत उसको नहीं बोलते जो अपने बारे में सोचता। मैं हमेशा बोलता हूँ, मी एंड माई फैमिली, ये इस्लाम का स्लोगन नहीं है, ये ईसाइत और यहूदियत का स्लोगन है। मी एंड माई फैमिली, ये तस्वुर को निकालो कि मैं, मेरी बीवी बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, ये तस्वुर ही नहीं रखना है। हमको करना क्या है, वी हैव टू थिंक अबाउट इस्लाम। अल्लाह का रसूल बता गया, अगर तुमको फिक्र ना हो, फिक्र का मतलब क्या, सोचो तो पाँच मिनट निकालो यार, आठ सवाल को ये समझो कि आठ सवाल हमारे लिए जैसे दूसरे मासूमी का गम का दिन होते ना, शहादत के दिन, उसी तरह आठ सवाल को करना चाहिए। हम तकलीफ होना आठ सवाल को, आठ सवाल को आपके घर में टीवी नहीं चलना, आठ सवाल का आपके घर में कोई ऐसे एंटरटेनमेंट नहीं होना। यू हैव टू सी कि कितना बड़ा जुल्म का दिन है आज, कितनी बड़ी मुसीबत का दिन है। आप क्या समझ रहे, जमाने का इमाम तड़प के रोता होगा उस दिन, जमाने का इमाम तड़प के गिरिया करता होगा कि आज मेरी दादी का लहर टूटा हुआ है, बीवी की लहर टूटी हुई, मौला हसन से, मौला हसन ने क्या कहा था,
मौला हुसैन से कहा था कि भैया अगर मुझे नाना के पहलू में दफन होने की इजाज़त ना मिले तो मुझे माँ के पहलू में दफन। इस रिवायत के तहत ये कन्फर्म हमारे उलमा कहते हैं कि बीबी जो है बकरी के अंदर, और जो बीबी की लहद है हमको मालूम है कि कौन सी लहद है। तस्वीरें तो सबके सामने है यार, ये भी नहीं मालूम कि कौन सा इमाम है, कौन सा इमाम कहाँ है, बीबी ज़हरा का। ये जो चार लहद है, सबसे पहले मौला हसन है, फिर बीमार है करबला, फिर इमाम मोहम्मद बाकर इस्लाम, फिर इमाम जाफर इस्लाम। उसके बाद जो राइट साइड की दीवार की साइड, दीवार पे राइट साइड पे वो शहजादी कौन है, और बीबी के सैयद चार इमामों के ऊपर जो एक रिवायत से बीबी फातिमा बिनते असद है, या जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के रसूल के चचा, दो रिवायत, या बीबी फातिमा बिनते असद के लिए भी कहा गया अब्बास इब्ने, ये वो दीवार के साथ के मासूमी। फिर आप अंदर जाएं बकरी के अंदर, अल्लाह हमको ज्यारत नसीब करे इंशाल्लाह। जब आप अंदर जाएंगे तो ऑन योर राइट साइड कैसी एंटर होती है, बिल्कुल ये मासूमीन के रोजे से खबरों से जब आगे जाते तो वहां पे जनाब इब्राहिम जनाब खासिम हो, और अजवाज रसूल जनाब आसिया, और जनाब आसिया की सीरिया में भी बता दोबारा अजवाज रसूल। कुछ लोगों की कुछ दो ऐसी शख्सियतें कि जहां पे वहां जाने के बाद आपको बताया जाता है कि ये लेडी है और ये शख्स, जबकि वो लोग दोनों में किसी का नाम नहीं ले रहा, वो लोग वहां पे नहीं, इसलिए नहीं है वहां पे। अब उसकी तारीख है पूरी कि वो थे या नहीं थे, तो वहां पे अजवाज है। और उसके बाद अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाके जब आप राइट साइड पे नीचे उतरेंगे तो वहां पे भी एक रिवायत भी फातिमा बिन असद की, बिल्कुल आखिर जन्नतुल बकी के आखिरी हिस्से में लेफ्ट साइड के ऊपर जनाब फातिमा बिन असद की छोटी सी दीवार है, उस दीवार पे जनाब बीबी फातिमा बिनते असद एक रिवायत। फिर जब वापस आएंगे, अच्छा मैं और भी इमामजादे ने कई इमामजादे और कई इमामजादियां यानी सारी चीज उन लोग हुई है, मैंने कहा ना 250 साल ऑलमोस्ट 200 इयर्स, नॉट 250 साल ऑलमोस्ट 250 इयर्स, दसवें इमाम के जमाने में मुंह हुए सामेरा, दसवें इमाम से पहले पूरे वही, दसवें इमाम के जमाने में जब जालिम मुतवक्किल ने दसवें इमाम को कैद किया और बुलाया तो उस वक्त मदीना से पूरी फैमिली मूव हुई। इसलिए आप देखो कि हमारे सारे मासूमीन की विलादत या मदीना मुनवरा में या मक्के में, मक्का और मदीना या उसके बीच के कोई ऐसी जगहों पे, इसके अलावा नहीं, सिर्फ जमाने के इमाम की विलादत सामेरे में हुई। पूरे हमारे 13 मासूमीन की जो विलादतें हैं ना, मदीना मुनवरा में या मक्के मौजमा में, बस और ये बीच का कोई हिस्सा, इसके अलावा कहीं नहीं है, और सारा खानदान मदीने मुनवरा में। 250 साल तक पूरे इमामों का जमाना जन्नतुल बकी, इतना बड़ा कब्रस्तान, और आज तो बकी बहुत छोटा हो गया, उस जमाने में एकर्स पे था और शहर से बाहर था, ये पूरी फैमिली ने बीबी उम्मुल बनीन भी वही है, और हमको ये भी नहीं पता कि कौन कौन है। मैं यही चाहता, ये अवेयरनेस मेरी तकरीर सिर्फ अवेयरनेस के लिए कर रहा, कि यूथ को मालूम होना चाहिए, बच्चों को मालूम होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि बकरी के अंदर कौन कौन दफन है और बकरी के ऊपर जुल्म किसने किया। मैं नाम तो नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी कि ये जालिम जो है, आज का जो हाकिम है, नाम भी नहीं ले रहा उस मुल्क का, आज का जो हाकिम है उसका बाप है, उसके ये पूरी औलाद जालिमीन की औलाद, वो जालिम था, ये जालिमीन थे जब ये लोग। और ये जो वहाबीज़म है ना, मैं बड़े एहतियात से बोल रहा हूँ और बड़ा डट के बोल रहा हूँ कि ये प्लांटेड रिलीजन है, इस रिलीजन को प्लांट किया था ये मुसलमानों के खिलाफ। ये जालिम का तो प्रोग्राम था कि अल्लाह के रसूल का मजार भी तोड़ दे, लेकिन जब ये बकी तोड़ी उसने और जन्नतुल मौला तोड़ा, तो उसके बाद इसका प्लान था अल्लाह के रसूल के मजार का, लेकिन हंगामा मच गया उस जमाने में मुसलमानों में, और इतना बड़ा तो जुल्म नहीं कर सकता, तो उसने मजार रसूल को छोड़ा। लेकिन आज भी अगर ये जालिमीन को मौका मिले तो सरकार के रोजे को भी तोड़ दे, इसलिए कि इनके तस्वुर में नहीं है कि जाके लहद पे जाना, जबकि लहद पे जाना, मैं बड़े वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा कि ग्रेव पे जाना, लहद पे जाना, ये सीरत रसूल है, हुक्म रसूल है। जब इस्लाम की दूसरी जंग हुई जंग ओहद, आज भी मदीने मुनवरा में वो मैदान मौजूद है, वो जंग ओहद जो सेकेंड इस्लामिक बैटल, वहाँ पे आज भी वो जगह मौजूद है, पूरी बाउंड्री खींची हुई है वहाँ पे, और वहाँ पे जनाब हमजा की लहद है और शोदाए ओहद की लहद है। और उसके बाद अगर आप यांबो से आप मदीने मुनवरा जाएं तो रास्ते में वो बदर का कुआं मिलता है और वहां पे शोदाए बदर दफन है। लेकिन सारे लोगों को क्या किया इन लोगों ने, उसी तरह से जस्ट स्टोन्स रख दिए कि ये जनाबे हमजा, ये शोदाए ओहद है, ये बदर के शोदा। तो जल्दी जब सेकंड इस्लामिक बैटल हुई थी उसमें मुसलमानों को जीत के बाद शिकस्त,
शिकस्त हुई उसी जंग में मेरे मौला की तलवार टूटी, उसी जंग में जुल्फ़िकार आई जिसमें जिब्रील ने आके कहा था कि ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। वो जगह आज भी मौजूद है। जब मेरे साथ लोग उम्र में चलते हैं तो मैं बताता हूँ कि कौन सी जगह पर जो है ये जुल्फ़िकार आई थी। और उसी जंग में जनाब हमजा की शहादत, जो अल्लाह के रसूल के चचा और बड़े बहादुर, एक ताकत थी, एक पावर था जनाब हमजा का, और ऐसी ताकत थी कि अल्लाह के रसूल का जुमला जंग खंदक में जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को भेज रहे थे, थर्ड इस्लामिक बैटल सबा मसाजिद जो मदीने में है, जब भेज रहे थे तो उस वक्त अल्लाह के रसूल का जुमला अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार ओहद में मैंने हमजा को खो दिया, अब मेरे पास कोई नहीं सिवाय अली के, तू भाई इसकी मदद कर, तो तू इनकी मदद कर। तो आपने देखा कि जनाब हमजा की ताकत को अल्लाह के रसूल ने माना, अल्लाह ने माना, कहते हैं कि मैंने ओहद में खो दिया, तू इनकी हिफाजत कर। एक पावर, एक ताकत का नाम जनाब हमजा था। जनाब हमजा की शहादत जंग ओहद में हुई। उसके बाद जब शहादत हो गई और जब मौला अली ने फिर वो हारी हुई जंग, जीती हुई जंग हार में गई, फिर उस हार को मौला अली ने जंग ऐसे लड़ी, लड़के शियत को बचा लिया, अल्लाह के रसूल की हिफाजत की। अच्छा, वो एक ही जंग ऐसी है कि जिसमें शहजादी कौनैन मैदान में आ गई थी, ओहद के मैदान में आना इन्हें इस तरह आई थी कि पूरे हिजाब के अंदर औरतों के साथ करीजों के साथ, जब बीबी को पता चला कि मेरे बाबा के दांत टूट गए तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत में बीबी ओहद के मैदान तक आई थी। तो बस लड़ने नहीं आई थी, बाप के लिए आई थी कि मेरे बाबा को क्या हो गया। इसी जंग में आपके दांत टूटे, तो जब ये लोग वापस आए, मैं वो जंग नहीं पड़ा इसलिए कि वक्त नहीं, जब वापस आए तो पूरा मदीना रो रहा था, इसलिए कि सारे लोग मुसलमानों के कई लोग शहीद हुए। तो उस वक्त अल्लाह, प्लीज गौर से सुनना कि इनका जवाब है, ये आज की जो हुकूमत है ना, आज ये वहाबिज्म है ना, उनका जवाब है पूरी तारीख में, पूरी तारीख में, ये नहीं कि मैं शिया तारीख से बोल, सारे मुसलमानों की किताबों। जब अल्लाह का रसूल वापस आए मदीने मुनव्वरा, बिल्कुल हार्डली 4 किलोमीटर पर, आज भी आप जाएंगे देखेंगे हार्डली 2-3 किलोमीटर पर ओहद का मैदान। तो जब वापस आए तो पूरा मदीना, हर घर में मातम हो रहा था, हर घर में मातम हो रहा था रसूल के सामने। क्यों रो रहे थे? अपने अपने शहीदों पे, अपने अपने वारिसों पे, अपने अपने रिश्तेदारों पे रो रहे, कोई अपने बाप पे रो रहा, कोई शौहर पे रो रहा, कोई भाई पे रो रहा, इस तरह। उस वक्त सरकार ने पैगाम भिजवाया कि तुम लोग अपने अपने रिश्तेदारों पे तो रो रहे, लेकिन मेरे चचा पे कौन मातम करने वाला, मेरे चचा का कौन गम करने वाला कौन। तो सारे मुसलमान अल्लाह के रसूल के पास आए और आकर जनाब हमजा का पुरसा दिया, घिरिया किया। उसके बाद खबर रसूल जनाब हमजा पे जाके उन लोगों ने घिरिया किया, मातम किया। आप सोचो, मरने वाले पे रोना, मरने वाले पे मातम करना, ये सुन्नत रसूल है, हुक्म रसूल है कि मेरे चचा का मातम करो, जो उस वक्त के सैयद शहदा है, पहले सैयद शहदा जनाब हमजा। तो उसके बाद हर जुमेरात को मेरी शहजादी अपने दादा की लहत पे जाती थी और जाकर उनकी लहत की मिट्टी से उन्होंने एक तस्वीर बनाई थी, जिस तस्वीर पे अल्लाह की इबादत करती थी। आप सोचो कि खबर पे जाना, ग्रेव पे जाना, सेमेट्रीज को जाना, ग्रेवयार्ड को जाना, ये सीरत रसूल है, सुन्नत रसूल है, हुक्म रसूल है। तो आज जो इन लोगों ने कब्र को तोड़ा, ये कह करके कब्र का निशान नहीं होना चाहिए, अल्लाह का रसूल ये बोल रहा और के जाओ लहद पे, और ये लोग लहद पे जाने से रोक रहे। बहरहाल मैं उस तफसील में नहीं जा रहा, बस मेरा टाइम हो गया, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा कि वो 8 शवाल हमारे लिए ब्लैक डे होना चाहिए, ब्लैक डे। उस दिन सिया लिबास पहनो, ब्लैक ड्रेस पहनो और अल्लाह की बारगाह में फरियाद करो, कुछ नहीं करते, इस्तगासा इमाम ज़माना करो, ज़माने के इमाम की बारगाह में इस्तगासा करो कि मेरे मौला के आप आइए और इस खून का, इस जुर्म का बदला लीजिए। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आइंदा साल हम इमाम ज़माना के साथ इंशाल्लाह जन्नतुल बख़ी जाए 8 शवाल को। और ये दुआ करो, हर नमाज में दुआ क्या करो, हर मजलिस के बाद दुआ क्या करो कि परवरदिगार जन्नतुल बख़ी पे साया कर दे, जन्नतुल मौला पे साया कर दे और रोशन कर दे। सिर्फ साया नहीं करे बल्कि रोशन कर दे कि आज रोज़ा बन जाए मौला का, बीबी का रोज़ा बन जाए, मासूमीन के रोज़े बन। या आप सोचो कि कितना बड़ा जुल्म अज़ीम है। तो बस मेरी आखिरी जुमले यही कि कोशिश ये करो कि हम हर नमाज के बाद, आज के बाद मेरी तकरीर सुनने के बाद, पूरा साल जब भी तुम नमाज पढ़ते, जब भी तुम मजलिस में जाते, जब भी फर्श अल्लाह में जाते, जब भी तुम गिलिया करते, जब भी अपने लिए दुआ करते, तो उस दुआ में इस दुआ को ऐड करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरी दुआ छोड़ के ये दुआ करो, सारी दुआएं मांगो और ये दुआ मांगो।
कि अल्लाह वो दिन आए कि हम अपनी गुनाहगार आंखों से जन्नतुल बकी के ऊपर साया देखें, जन्नतुल बकी को रोशन देखें, और अल्लाह तू जल्द से जल्द जन्नतुल बकी की तामीर करवा दे। और जमाने के इमाम की बारगाह में ये एहतजाज करो कि मौला आप हैं, मौला आपकी दादी की लहद है, आपके दादा की लहद है, आपके खानदान की लहद है, इस बकी की तामीर करवा दे। इसलिए कि दोस्तों इस अंदाज़ा लगाओ कि जन्नतुल बकी वो मुसीबत की जगह है। अगर वो रिवायत के जब सैद बस में ख़त्म कर रहा मजलिस को, जब सैदानियाँ आई वापस खबर रसूल के बाद, खबर रसूल पे नाना को सलाम करके, अली की बेटी ने क्या किया, जाके खबर रसूल को सलाम करके कहा सलाम अलैका या जद्दा या रसूल, नाना आपकी नवासी आई। और एक जो जुमला था वो सबसे बड़ा जुमला, तड़प के कहा नाना ना महरमों को मजमा है, वरना ज़ैनब बाजू के नील बता दो। बीबी वहीं बैठी रही, बैठी थी, मदीने की सारी औरतें बीबी को घेरी। उस वक्त इत्तला आई कि फातिमा सुगरा आ रही, ये वो बीबी, ये बीबी भी वहीं दफन है, एक रिवायत से वहीं दफन है, सीरिया में भी बताया जाता, लेकिन ये एक रिवायत से जन्नतुल बकी में दफन, ये मजलूम बीबी मौला हुसैन की, वो गरीब और बीमार बेटी। आज जब भी दुआ मांगो ना बीमारी के लिए शहजादी फातिमा सुगरा का वास्ता देकर दुआ मांगो, ये अजीब बीबी, अजीब दुआएं कबूल होती। ये शहजादी कौनैन की छवि थी बीबी, जब वो आई तो आने के बाद अजीब मुसीबत थी कि आगे उन्होंने जनाब ज़ैनब से कहा कि बीबी ये बताओ कि मेरी फूफी ज़ैनब का है। तो उस वक्त शहजादी ने अपने सर को उठा के कहा कि सोगरा तुमने भी नहीं पहचाना। तो उस वक्त बीबी ने तड़प के कहा कि फूफी अम्मा मैं कैसे पहचान दिया, आपके बाल सफेद हो, आपकी कमर झुक गई। पहला जुमला यही कहा कि फूफी अम्मा मेरा बाबा क्या हो। बीबी ज़ैनब ने एक एक ही शहादत सुनाई। आखिर में सोगरा अपने मकाम से उठी, माँ रबाब के पास गई और जाकर देखना चाहती थी। तो जनाबे ज़ैनब ने कहा कि बेटी किसको तलाश कर रही, कहा फूफी अम्मा मैं मेरा भाई अली असगर का। उस वक्त जनाब ज़ैनब ने कहा था कि बेटी वो भी गए थे मैदान में, लेकिन इस तरह वापस आए कि मन का ढला हुआ था, बच्चों में खून था। उसके बाद जनाब सुगरा ने बीबी सकीना के बारे में पूछा, जनाब ज़ैनब ने रोते हुए कहा कि बेटी वो भी तमाचे खा के शाम में रहे। अब जनाब ज़ैनब उठी, हाथ में पैराहन हुसैन को लिया, बकी की तरफ गई, माँ की लहद पे जाके पैराहन को रखा, भाई हसन के पास पहुंची, रख कर फरियाद किया कि अम्मा ज़ैनब आई है, लेकिन हुसैन वापस नहीं आ। परवरदिगार मेरी शहजादी के मसाइब का वास्ता, ये हमारी मुख्तसर सी मजलिस को कबूल कर। परवरदिगार इंशाअल्लाह जल्द से जल्द जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और खानदान अहले बैत की खबरों पे साया कर दें और रोशन कर दें। परवरदिगार मैं इमाम ज़माना की बारगाह में पुरसा देता हूँ मौला को कि मौला अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला अल्लाह आपको सलामत रखे, और मौला जल्द से जल्द जन्नतुल बकी को रीबिल्ड करवा दें और उसको रोशन करवा, मौला ज़ालिमीन का खात्मा हो जाए। ये बेहतर शहजादी फातिमा सुगरा और बीमार करबला जितने बीमार है अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमा। परवरदिगार बीवी सुगरा का वास्ता, हमारे माँ बाप जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है उनकी मगफरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मगफरत फरमा दे, जिनके माँ बाप जिंदा है उनको सलामत रख। अल्लाह कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन, तेरे दीन की तेरे बंदों की खिदमत करने की तौफीक अता, और ये सआदत दे कि हम मौला हुसैन की जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जब भी मौला हुसैन का जिक्र करें तो जिक्र को बीबी ज़हरा की बारगाह में कबूलियत तक पहुँचा। अल्लाह हम सब को जन्नतुल बकी और सारे मासूमीन के रोज़ों की ज़ियारत नसीब, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब को इमाम के नासिरों में शुमार।